वीडियो के शुरुआत में ही बता दूं मैं ये वाली बात, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिन्हें केवल एग्जाम में पास होना है। भाई अगर तुम्हें 40% से पास होना है, 45% से पास होना है या 50% से पास होना है, इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो है उन बच्चों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि 3 साढ़े 3 महीने में कैसे मैं सारे सब्जेक्ट क्लियर करूंगा, कैसे 90-95% मुझे मार्क्स लेने ही लेने हैं। और पहले ही बता रहा हूं, इस वीडियो में कुछ बातें ऐसी करूंगा जो तुम्हारे दिल को लग सकती है, हो सकता है हर्ट हो जाओ, तो इसलिए कमजोर दिल वाले बच्चे इसे ना देखें, यही बंद कर दो और जाओ। फ्री फायर खेलो, फेसबुक चलाओ, लेकिन अगर यहां अभी तक रुके हुए हो तो इसका मतलब कुछ बात है तुम्हारे मन में। और डायरेक्ट ये नहीं बताऊंगा कि इतने बजे उठ जा, इतने बजे से इतने बजे तक, 5 बजे पढ़, इतने बजे से ये। अरे यार ये तो सबको, हम जब नर्सरी से थे, क्लास 5 में थे, 6 में थे, तब से बताया जा रहा है 4 से 5 मैथ पढ़ ले, 6 से 7 ये कर ले। अरे ये तो मेरे बच्चे को पता ही है यार, वो तो ये सुनता ही आ रहा है। अगर यही फॉलो करना होता तो अब तक उसके सारे सब्जेक्ट क्लियर हो गए होते हैं। क्या मैं सही नहीं कह रहा? है ऐसी बात? किस बच्चे को नहीं पता? किस बच्चे को नहीं पता भाई साहब, 6-6 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अरे ये तो मुझे पता ही है सर, नया बताओ। नया बताने के लिए ये वीडियो लेके आया हूं। मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, सर पढ़ाई में मन नहीं लगता सर, आधे घंटे से ज्यादा बैठ नहीं पाता सर, कंसंट्रेशन नहीं बन रही सर, ध्यान नहीं लग रहा सर, दोस्त अच्छे नहीं है। मेरे भाई पढ़ाई में भी ध्यान लगेगा, कंसंट्रेशन भी बनेगी, 1 घंटे से ज्यादा तू ही बैठेगा, उसके लिए चाहिए एक वजह। सर कैसी बात कर रहे हो सर, मेरा ध्यान लगेगा पढ़ाई में? हां भाई तेरा ध्यान लगेगा पढ़ाई में। सर मैं 1 घंटे से ज्यादा बैठूंगा, तू बैठेगा 1 घंटे से ज्यादा। सर आप कुछ बात कर रहे थे वजह वजह वजह। हाँ मैं बात कर रहा था कुछ वजह की, मैंने शुरुआत में ही बताया है, डायरेक्ट इस प्लान पे नहीं आ रहा, 4 से 5 ये पढ़ लेना, 6 से 8 ये कर लेना, इतने बजे सो जाना, इतने बजे टीवी देख लेना, ये सब फालतू की बातें हैं और शुरुआत से ही हर बच्चे को पता होती है। बात जो बताने वाला हूं वो सीधे दिल पे अटैक करेगी तुम्हारे, और वो बात क्या है वो सुन लो यार। जब भी कोई काम करते हैं ना, अगर तुम उस चीज को इमोशनली अटैच कर लो, देखो ध्यान से समझ लेना इस वाली बात को, अगर वो चीज तुम्हें इमोशनली अटैच हो जाओ उस चीज से, तो साला ध्यान नहीं पूरा ध्यान लगेगा। बच्चा कह रहा कैसे? मैंने देखो पहले ही बोल दिया था वीडियो बंद कर देना, हर बच्चे के लिए नहीं है। और अब जो एग्जाम्पल देने वाला हूं थोड़ा अजीब देने वाला हूं, आई एम सॉरी टू से। मान के चलो जैसा कि अभी आप लोग 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, अपोजिट सेक्स से अट्रैक्शन होता ही है, हो सकता है आप किसी लड़की को पसंद करते हो, ये टॉपिक हालांकि ये जो वीडियो है ये इस टॉपिक के लिए नहीं है, हो सकता है आप लड़की को, आप किसी लड़के को पसंद करते हो सकता है उस लड़की ने आपको रिजेक्ट कर दिया हो, ये कह के काला है तू भाई, तेरे मार्क्स अच्छे नहीं है भाई, गरीब है तू, बना लो वजह, मिल गई वजह, यू हैव फाउंड द रीजन। अभी जो बच्चा कह रहा था ना सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, सर कंसंट्रेशन नहीं होती, सर 1 घंटे से ज्यादा मन नहीं लगता, बना लो वजह, रिजेक्ट किया था उसने, इस बार मार्च के रिजल्ट में दिखा दूंगा, बोर्ड के रिजल्ट में किसे रिजेक्ट किया है। पहली वजह देखो, तो फिर से बता रहा हूं, ये वीडियो मेरा अजीब लगेगा तुम लोगों को, लेकिन जिसने ये वीडियो समझ लिया, जिसने ये वीडियो उतार लिया दिमाग में और इंप्लीमेंट कर लिया, वो मार्च के बाद मुझे मैसेज करेगा, थैंक यू सर, आपने नवंबर में सो रहा था, मेरे अंदर एक शेर सो रहा था और आपने उस शेर को सर जगा दिया। पहली वजह बता दी मैंने तुम्हें और मेन वजह बता दी। सर दूसरी वजह बताओ। सर मेरा तो ये वाला केस नहीं है, मेरा कहीं दिल नहीं लगा हुआ। दूसरी वजह बताता हूं मेरे भाई सुन, हो सकता है कभी तुम पीटीएम में गए हो, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, हो सकता है वो पिछले साल हुई हो, बच्चा कहेगा सर इस साल तो मैं स्कूल ही नहीं गया,
सर पीटीएम ही नहीं हुई, क्या बात करते हो भाई, पिछले साल हुई होगी। और पीटीएम में किसी मैडम ने, किसी सर ने या किसी दूसरे पेरेंट ने यह कह दिया हो तुम्हारा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है, तुम्हारी मम्मी से। और आपकी मम्मी का चेहरा उतर गया था, पापा का चेहरा उतर गया था जब टीचर ने कहा ये तो पढ़ ही नहीं सकता, ये तो कुछ करता ही नहीं है। दूसरी वजह बना लो, उस टीचर को जवाब देना है इस साल। और जवाब कैसे देना ये भी सुन लो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उस टीचर को गंदे गंदे मैसेज करेंगे, तेरी बहन की, तेरी उसकी, इसकी, ये वो फलाना, ना 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 ना, अलग अलग नंबर से मैसेज करेंगे, उसे गालियां निकालेंगे, कुछ गलत काम करेंगे। याद रखना मेरे दोस्त, सबसे बड़ा बदला, सबसे बड़ा रिवेंज होता है सक्सेस। हिला डालो, हिला डालो इस मैडम को, हिला डालो इस वाले टीचर को जिसने ये कहा था तुम्हारा लड़का नहीं कर सकता, इसके तो बस की ही नहीं है। यहां पे मैंने एग्जाम्पल लिया है पीटीएम का, टीचर का, वो कोई भी हो सकता है। आपने देखा होगा हमारे रिलेटिव में एक चाचा, एक फूफा, एक ताऊ, एक नाना, एक मौसी, एक बुआ ऐसे होते हैं जो अपने लड़के की डींग हाँकते रहते हैं हर जगह। फंक्शन चल रहा है दिवाली का, अरे हमारा लड़के ने तो 98% लिए थे, तब वहां पे पापा का सिर नीचे होता है कि हमारा लड़के तो भैया 60% पे पास हुआ है। वजह बना लो कि उन फूफा को, उन चाचा को मेरे पापा जवाब देंगे तुम्हारा लौंडा पास हुआ है 95 से, मेरा लड़का पास हुआ है 98 से। ले वजह नंबर टू, वजह चाहिए, मन नहीं लगता पढ़ाई में, मन लगेगा। तीसरा एग्जाम्पल जो देने वाला हूं, देखो मैं बार बार फिर से बता रहा हूं तुम्हें, वीडियो वो ही बच्चा देखे जो दिल से मजबूत है। कमजोर दिल वाले आगे मत बढ़ना, क्योंकि मेरी बातें खराब लगेंगी। और कमेंट सेक्शन में बता देना ऐसा मोटिवेशन तुम्हें रेगुलर चाहिए। अगर इस वीडियो को अच्छा सपोर्ट मिलता है तो हर हफ्ते तुम्हें मोटिवेट करने इस बार इंग्लिश बाबा आ रहा है। तीसरी वजह बता देता हूं, और ये वजह थोड़ी सी मुझसे भी पर्सनली कनेक्टेड है, वो मैं किसी दिन और बताऊंगा कैसे है। कभी तुम किसी बर्थडे पार्टी में, कभी तुम किसी शादी में, कभी तुम किसी पीटीएम में गए और तुमने देखा सबकी गाड़ियां खड़ी हैं भाई साहब, सब कार से आए हैं भाई साहब, पर मेरे पापा, मेरी बहन, मेरी मम्मी, हम एक स्कूटर पे, हम एक बाइक पे गए हैं। अजीब लग रहा था उस दिन जब गाड़ियां खड़ी थी चारों तरफ और केवल दो चार बाइक या स्कूटर थे, उसमें हम थे, उसमें हम थे, मैं था, मेरी मम्मी थी, मेरे पापा थे। मम्मी के मन में एक इच्छा थी, काश कि मैं भी कार में आती। पापा के मन में भी इच्छा थी, काश मैं अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को एक कार दे पाता। लेकिन कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा। वजह नंबर तीसरी ले लो, सोच लो, लिख लो, बोलो किसी को मत, बोलना नहीं है मेरे भाई। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, जो ज्यादा बोलते हैं वो करते नहीं है। तुम्हें चुप रहना है, ये जो एनर्जी है इसे निकालना नहीं है। डोंट वेस्ट दिस एनर्जी, रख लो इस एनर्जी को और सोच लो एक ऐसा टाइम लाऊंगा या एक ऐसी टाइम लाऊंगी, अपनी मम्मी को, अपने पापा को कार से नीचे उतरने नहीं दूंगा, इतनी पढ़ाई करनी है। वजह नंबर तीन। चौथी वजह, अब एक बच्चा सोच रहा होगा सर ना तो मेरा कहीं कोई चक्कर चल रहा, और सर मेरे पास एक नहीं सर दो दो तीन तीन कार है, मैं तो सर स्कूल में ऑलरेडी अच्छा बच्चा हूं, मेरे तो पीटीएम में भी, तो सर ये जो वजह सर आप बता रहे हो ना, इनमें से कोई वजह मुझ पे अप्लाई नहीं होती, मैं क्यों पढ़ाई करूं। मेरे भाई तू इसलिए पढ़ाई कर कि तू जो रैंक मेंटेन किया हुआ है, लोग ये ना कहें कि ये बाप के पैसे पे पल रहा है, इसे क्या है जी घर वालों ने बना बना के दे दिया, हर चीज बनी बनाई मिली, इन्होंने तो कभी स्ट्रगल देखा ही नहीं है। याद रखना लोग एक मौका नहीं छोड़ते आपको ताना मारने का। यहां पे बस मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, आज ये चैनल इंग्लिश बाबा लगभग 95K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, और आपके प्यार से, आपके सपोर्ट से 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी होंगे, लेकिन आई फील प्राउड, मुझे गर्व है ये कहते हुए कि इस चैनल को धीरे 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 मैंने ग्रो किया है। दैट मीन्स यहां पे मैं कोई अपनी तारीफ नहीं मनवाना चाह रहा,
मैं ये नहीं कह रहा आओ और मेरी तारीफ करो, बस मैं ये दिखाना चाहता हूं दिस थिंग आई हैव क्रिएटेड। तो नो मैटर फ्रॉम वॉट बैकग्राउंड यू कम, आप कितने भी बड़े बैकग्राउंड से आते हो, उन्हें दिखा देना पापा का बिजनेस अलग था, मैंने अपनी जगह खुद बनाई है। ये तो हो गई कुछ वजह और भी लाऊंगा आने वाली वीडियोस में, और भी ऐसी मोटिवेशन देता रहूंगा अगर तुमने इस वीडियो को सपोर्ट किया तो। अब सर ये तो आपने बता दिया कि ये वजह है, और एक चीज मेरे भाई, जो वजह है ना उसे कॉपी में, उसे डायरी में लिख लेना चुपचाप, और रोज साला उस पर देखना, और एक बार सोते सोते, एक बार सुबह जगते हुए उस चीज को, जब वो चीज पिंच करेगी ना बार बार, क्यों नहीं पढ़ाई में मन लगेगा। बच्चा ये कह रहा था सर आधे घंटे से 1 घंटे से ज्यादा बैठ नहीं पाता हूं, अब मन लगेगा। जब वो वाली फीलिंग आएगी ना, उसे जवाब देना है, जवाब देना है, जवाब देना है, एंड देन यू आर गोइंग टू रिप्लाई। अब ये जो मैंने वजह बताई, कुछ और भी वजह हो सकती है जो मेरे दिमाग में इस टाइम ना हो। हो सकता है वो आपके फेलो फ्रेंड्स हो, आपके कलीग्स हो, आपके अड़ोसी पड़ोसी हो, कोई भी हो। अब मैं बात करूंगा मेन मुद्दे की कि पढ़ना कैसे है। सर ये तो रही ये वाली बातें, सर अब ये तो बताओ पढ़ना कैसे है, उसके लिए आ जाओ यहां पे। इस वीडियो का इंट्रोडक्टरी पार्ट तो मैं दे चुका हूं, वजह बता चुका हूं वजह क्या है, और अगर इनमें से नहीं है तो कोई दूसरी वजह फाइंड आउट कर लेना और लिख लेना, और कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि सर वास्तव में आपने जो कहा वो चीज लिखने के बाद अंदर से मन में मोटिवेशन आया कि नहीं आया। जब भी पढ़ने का मन नहीं करता वो वजह देख लेता हूं सर डायरी में, रिजेक्ट हुआ था मैं, मना कर दिया था, पीटीएम में ये कहा था, सब लोग कार से आ रहे थे, मेरी मम्मी और हम लोग, इसे कुछ भी बना लो ना मेरे भाई कुछ भी। अब बात करूंगा हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, यही तो सब्जेक्ट है, यही तो सब्जेक्ट है, लेकिन 80% बच्चा, 80 तो मैंने कम लिख दिए, 80 तो मैंने कम लिख दिया, 80% से ज्यादा बच्चा साइंस का ट्यूशन भी जा रहा है, मैथ्स का ट्यूशन भी जा रहा है, घर में भी दो दो घंटे दे रहा है, वर्कशीट भी कर रहा है, ऑनलाइन क्लास भी ले रहा है, मजाल है कि वो हिंदी को छू रहा हो, हिंदी नहीं छू रहा, हिंदी में क्या है सर रट लेंगे, सोशल साइंस पे ध्यान नहीं दे रहा। अरे भैया मूर्ख मत बनो, मत आओ झांसे में ऐसे टीचर के जो एक ही दो सब्जेक्ट पे ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। यार ये भी तो 100 नंबर का है, ये भी तो 100 नंबर का है, ये भी तो 100 नंबर का है, अगर ये दोनों 100-100 के हैं तो बताओ। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं, और तुम अब इतने छोटे नहीं हो कि ना समझो, अभी ड्रीम 11 आईपीएल खत्म हुआ है, उसमें जो ऑरेंज कैप मिली है वो केएल राहुल को मिली है, केएल राहुल सबसे ज्यादा रन, मेरे ख्याल से 670 रन थे, लेकिन 670 रन बनाने के बावजूद, हाईएस्ट स्कोरर रहने के बावजूद, उसकी टीम विजेता टीम नहीं बन पाई। तो मेरे भाई इस चीज से लेसन समझो कि अगर मैथ में 95 90 90 ले भी लिए और यहां पे 60 60 रह गए तो क्या ये सही है, परसेंटेज बिगड़ जाएगी। सर फिर क्या करूं सर, कुछ नहीं करना, मैं ये नहीं कह रहा तू मैथ्स मत पढ़, मैं ये नहीं कह रहा तू साइंस मत पढ़ पढ़, और मैं ये भी नहीं कह रहा तू इन सब्जेक्ट से ज्यादा मत पढ़ पढ़, लेकिन यार इसे बिल्कुल खाली मत छोड़। रोज नहीं पढ़ सकता हिंदी, हफ्ते में 3 दिन पढ़ ले, जब तुझे ऐसा लगता हो यार मैथ कर करके ना मेरा दिमाग खराब हो रहा है यार, साइंस कर करके ठीक है यार, चैप्टर 1 लगा ले, यूट्यूब में लगा ले यार देख तू, और ये काम 30 दिन करने के बाद, 15 दिन करने के बाद, 5 दिन करने के बाद मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर दूसरे सब्जेक्ट भी पैरेलल तैयार हो रहे हैं या नहीं हो रहे। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना मिक्स स्टडी करनी है। अब मैं कहूं यार तुझे पूरे दिन गाने सुनने हैं, तुझे सुबह भी पनीर खाना है, शाम को भी पनीर खाना है, दोपहर में भी पनीर खाना है, साला ये कहोगे पनीर बेकार लगता है मुझे, लेकिन अगर मैं ये कहूं सुबह पराठे मिलेंगे, शाम को दाल मिलेगी, बीच में पनीर मिलेगा, पनीर अच्छा लगेगा,
तो इसी तरह मिक्स स्टडी करो पूरे दिन को इस तरह से। देखो एक चीज और है, इस वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगा तू कब पढ़, मैं नहीं बताऊंगा तू 4 से 5 पढ़, क्योंकि आप अपने आप को मुझसे बेहतर जानते हो। भाई फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चों को रात में ज्यादा पढ़ाई करने का शौक है, वो रात को 2-2 बजे तक पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं रात को नहीं पढ़ाई कर सकते, लेकिन सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, 6 बजे उठ जाते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। वो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, वो भी तब जब तुम इस वीडियो पे अच्छा सपोर्ट करोगे। हर टॉपिक को, हिंदी को, इंग्लिश को, सोशल साइंस को, साइंस को, मैथ्स को, बस ये बना लो ठीक है। अगर आपको साइंस और मैथ्स, चलो मैंने मान लिया, रोज पढ़ना है, तो इनका ऑल्टरनेटिंग शेड्यूल बना लो। 6 दिन में 3 बार हिंदी का भी नंबर आएगा, 3 बार इंग्लिश का भी, और सोशल साइंस का भी नंबर आएगा। आप देखना, आप मुझे बताओगे कि सर अब इस वाले तरीके से पढ़ाई करने से पहले से ज्यादा मजबूत फील कर रहा हूं, पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं। अब आगे बढ़ता हूं, और अब लास्ट में कुछ और टिप्स दे रहा हूं, जो मैंने सबसे पहली वजह दे दी, मिक्स स्टडी दे दी, और अब लास्ट में कुछ और बता रहा हूं। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो ये जो मोटिवेशनल सेशन वीडियोस अब आगे नहीं आएंगी, आगे आती रहेंगी, लेकिन एक काम और करना है, आपको कैलेंडर को टैली करना है। बच्चा कहेगा सर कैलेंडर को टैली करना है मतलब कैलेंडर लेके बैठ जाऊं? नहीं, एग्जाम को टैली करना है। मेरा मैथ का पेपर फलानी तारीख को है, फरवरी में है, मार्च में है, मेरे पास ये 3 महीने बचे हैं, एक्सरसाइज वाइज डिवाइड कर लो, यूनिट वाइज डिवाइड कर लो, ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर नहीं है, ये क्लियर नहीं है, इतना और करना है। समझ गए मेरी बात? तुम्हारे माइंड को मैसेज जाता रहेगा, कॉन्शियस को भी, सबकॉन्शियस को भी, कि इतना पोर्शन बाकी है। और तुमने ये फील किया होगा एग्जाम से एक दिन पहले तुम अचानक से बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लेते हो, फील किया या नहीं? एग्जाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एग्जाम से एक दिन पहले बच्चा दो दो यूनिट, तीन तीन यूनिट कवर कर लेता है, और बच्चा ये सोचता भाई मेरे अंदर तो इतनी ताकत थी, मैंने तो कभी फील ही नहीं करी, क्योंकि एग्जाम है कल। ब्रेन मैसेज दे रहा है कि बेटा कल एग्जाम है, सो मत। तो इसलिए कैलेंडर को टैली कर लेना, और टैली किसके साथ करना? अपने एग्जाम शेड्यूल के साथ, हर सब्जेक्ट को, इंग्लिश को अलग, साइंस को अलग, सोशल साइंस को अलग। एक चीज जो कि मैंने इस वीडियो में 2-3 बार बोला, मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बता रहा इतने बजे पढ़, इतने बजे मत पढ़, इतने बजे ये कर, मैं नहीं बता रहा, लेकिन तुम्हें अपना एक स्टडी शेड्यूल, किस टाइम भाई तुम्हें लगता है कि ये पर्टिकुलर टाइम मेरे ब्रेन की प्रोडक्टिविटी या मेरा जो ब्रेन है बढ़िया काम करता है, मैं उस टाइम अच्छा काम कर सकता हूं, करो यार, करो उस हिसाब से पढ़ाई। और एक और बात भाई, रियलिस्टिक गोल शेयर सेटअप करना। बच्चा कहेगा सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया, अब मेरा ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें झिकझोर देगी, सर कल से 10 घंटे पढ़ाई चालू, सर 8। ये गलती मत करना, ये गलती मत करना। इस वीडियो देखने के बाद 3 दिन बाद धड़ाम गिरोगे और कुछ नहीं होगा। अगर मेरे भाई तुम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे थे तो तुम 2 घंटे से शुरू करना, डोज स्मॉल। 2 घंटे पढ़ रहे थे तो 3 घंटे शुरू करना, 3 पढ़ रहा था तो 4 करना, 4 कर रहा था तो 5 करना। एकदम से 2 से 8 पे मत करना, गिर जाओगे। पहले देखो, आपको पता है कि जो ग्रोथ है वो स्लोली होती है, धीरे धीरे होती है, और जो आज इस वीडियो में बताया है, बस मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता देना, रात के 12:15 बज रहे हैं जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं, क्या मेरे ये एफर्ट्स तुम्हें मोटिवेट करने में, अगर मेरी इस वीडियो को देख के एक बच्ची का भी ये कमेंट आ गया, सर आपकी इस वीडियो देखने से मेरी आंख खुल गई, मेरे अंदर का जो शेर है जो सो रहा था, जो जज्बात जो सो रहे थे जग गए सर, और सर प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको भी और अपने उन विरोधियों को भी, वो चाहे कोई भी हो, कि मैं कौन हूं। तो मैं ये समझूंगा, आपका भाई ये समझेगा कि मेरे ये प्रयास इस वीडियो को बनाने वाले सफल हो गए। इंग्लिश बाबा चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, स्कूल के ग्रुप में फेंक देना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।